खबर रीवा से। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के डिहिया गांव के निवासी रमेश कोल, पिता हमर छाती कोल, उम्र 35 वर्ष, निवासी डिहिया थाना गोविंदगढ़ का हमराह ने अपने साले सुखनंदन कोल के साथ थाने में आकर जुबानी सूचना दी कि उसकी बेटी अंजलि कोल, उम्र 16 वर्ष 9 माह, दिनांक 20 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे उस बोल के गई कि मुझे स्कूल जाना है। जब शाम को 4 बजे तक अंजलि घर नहीं लौटी तो उसके मोबाइल नंबर पर फोन लगाया तो अंजलि ने कहा कि मैं मंजू मौसी के घर ग्राम पीपरा में आई हूँ। तब उन्होंने अपनी साली मंजू के घर ग्राम पीपरा जाकर पता किया तो उनकी साली मंजू ने बताया कि हमारे घर अंजलि नहीं आई है। इसके बाद उन्होंने वापस अपनी बेटी को फोन लगाया तो मोबाइल बंद बताने लगा। घर आस पड़ास नात रिश्तेदारी में पता किया पर कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की अंजलि को बहला फुसला कर भगा ले गया है। मेरी लड़की का हुलिया लगभग 5 फीट ऊंचाई, रंग गोरा, बदन इकरहा, चेहरा लंबा है, बदन में नीले रंग का सूट एवं गुलाबी दुपट्टा पहना है, पैर में गुलाबी रंग की सैंडल पहने हुए हैं। लड़की की तलाश करने पर भी न मिलने पर दिनांक 25 जुलाई 2021 को रिपोर्ट की गई थी, कार्यवाही की गई। इस रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही में ले गया गया लेकिन आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी है। क्या आवेदन लेके आए, क्या समस्या है? वो सुनवाई घर गोविंदगढ़ थाने में ही हो रही है। आवेदन लेके आए हैं एस पी साहब। क्या घटना की शिकायत लेके आए हैं? मेरी लड़की गुम हो गई है 20 तारीख। कौन सी 20 तारीख? 20 जुलाई को। कहाँ से गायब हुई थी? घर से स्कूल जाने के लिए। लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र कितनी थी? 16 साल 9 महीने। तो अब गोविंदगढ़ थाने जाते हैं आप तो क्या बोला जाता है? वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि एक दो दिन और उसको इधर से परमिशन लेके आए। मैं आज उसके कार्यालय से आया हूँ कि हमारे रिश्ते में चीजा है, हमारी भांडी में खुशबू जो है और वो रंगली खुशबू जिसका नाम है गोविंदगढ़ थाने मंडल की रिपोर्ट जो है 25 तारीख को की गई थी और 20 तारीख को ये स्कूल आई थी। स्कूल आई तो घर नहीं पहुँची। कौन सी 20 तारीख? 20 जुलाई को है ना, जिसके कारण फिर ये जो है तो गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट की। स्कूल से उसका कुछ पता नहीं? हाँ, पता नहीं चला। एक आध दो चार दिन आदमी इधर से उधर रिश्तेदारी वगैरह में ढूंढा, उसके बाद पता नहीं चला। गोविंदगढ़ थाना गए, गोविंदगढ़ थाना में रिपोर्ट कराए, पुलिस वाले वो जो साइबर क्राइम द्वारा वो निकाला गया, उसमें ये पाया गया कि वो राजस्थान कोटा में है। फिर मैं वहाँ भी बसों बार गया, 200 बार गया, जब से गोली तो मैं थाना के चक्कर काटता रह गया, दीजा और थाला दोनों दल मिलकर। लेकिन वहाँ यही बोल रहे हैं कि कल आना, परसों आना, ये कार्रवाई करूंगा, उनसे परमिशन लूंगा, फिर ये लूंगा, वो चलूंगा। लड़की की उम्र और पहचान बताओ। उम्र लड़की वही गोरे बदन की है, 5 फीट उसकी लंबाई है और वही कपड़ा स्कूल का कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, वही साधारण में पहने थे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वहाँ पर भी कुछ मिलने वाली है ना, मेरे जीजा जी जो ये थे। अब आप लोग जब गोविंदगढ़ थाने जाते हैं तो वहीं क्या बोला जाता है? और मैं गोविंदगढ़ थाना गया कि जैसे सर्वर काउंट से पता चल गया कि ये राजकोट में है कि यहाँ है, ठीक है ना। अपन लोग गया कि सर अगर जो आपके साथ नहीं है तो मैं किराया 12 रुपया आपको ले चला, मेरी बच्ची है, कल उसका मर्डर दूसरा आदमी कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद थाना सर मेरे को सुपुर्द कर दिएगा जहाँ पर वो आपको लोकेशन जहाँ पर पता चल रहा है, वही जाते हैं। कल आना, परसों आना, नर्सों आना, रही अधिकारी भी। अभी अब आप लोग एस पी ऑफिस आए हैं तो अब क्या चाहते हैं? मैं एस पी ऑफिस सही हूँ श्रीमान जी के लगे कि जहाँ पर वो सर्वर वगैरह जो बता रहा है तो वहाँ पर प्रशासन के साथ जाके हमारी बच्ची को सुपुर्द किया जाए, जान माल की रक्षा की जाए। कहाँ के रहने वाली थी बच्ची? बच्ची ग्राम डिहिया की है, तो उसको डिहिया भी लगता है, थाना उसका डिहिया लगता है।